नमस्कार दोस्तों, आज हम एक स्विच और एक सीलिंग फैन रेगुलेटर स्विच बॉक्स में सीलिंग फैन के कनेक्शन करेंगे। ये जो आप देख रहे हो स्विच बोर्ड, इसमें हमने एक स्विच लगाया है और एक सीलिंग फैन रेगुलेटर। आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगा होगा उसमें बहुत सारे स्विच भी होंगे और फैन रेगुलेटर भी लगा होगा। कनेक्शन ऐसे ही करने हमको एक स्विच और एक फैन रेगुलेटर के। अगर सीलिंग फैन के आप कनेक्शन कर रहे हो स्विच बोर्ड में, ऐसे ही कनेक्शन होंगे। आपके स्विच बोर्ड में कितने भी स्विच और सॉकेट लगे हो, साथ में फैन रेगुलेटर। और फैन की जगह हम यूज करने वाले हैं, एक हमारे पास ये वाला फैन है, इसको हम सीलिंग फैन की जगह यूज करके आपको दिखाएंगे। सीलिंग फैन से भी दो ही वायर आती है, एक फेज वाली और एक न्यूट्रल वाली वायर। और अब हम ये बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। आप देखोगे स्विच के दो टर्मिनल है, वन वे स्विच के आपको दो ही टर्मिनल मिलेंगे, एक होता है इनपुट टर्मिनल और एक होता है आउटपुट टर्मिनल। और जो फैन रेगुलेटर होता है उससे दो वायर बाहर निकली है, एक है इनपुट फेज वाली और एक है लोड वाली। आपको ये देख करके लगाना पड़ेगा, इसके पीछे ड्राइंग बनी रहती है। इनपुट फेज वाली वायर को आपको क्या करना है, फैन का लिए जो स्विच यूज करेंगे इसके एक टर्मिनल को में आपको एक वायर को जोड़ देना है फैन रेगुलेटर की। वायर आप देख करके लगाइए, वरना आपका जो फैन रेगुलेटर है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए आप इनपुट फेज के लिए जो वायर है फैन रेगुलेटर की, वो वाली इनपुट फेज में लगाइए और लोड वाली वायर पे आपको फैन कनेक्ट करना है। और अब हमको लेनी है इनपुट फेज वाली वायर। इनपुट फेज वाली जो वायर है वो लेने से पहले हमको घर की लाइट जो है मेन लाइट उसको ऑफ कर लेना है और इसको हमको कनेक्ट करना है स्विच जो है इसके दूसरे टर्मिनल पे। स्विच बोर्ड में हमको बस इतना सा काम करना है, इनपुट फेज स्विच के एक टर्मिनल पे और आउटपुट टर्मिनल पे आपको फैन रेगुलेटर की इनपुट फेज वाली वायर को जोड़ना है और लोड वाली जो वायर है वो हमारे फैन सीलिंग फैन से जो फेज वाली वायर गई है, ये फेज वाली वायर सीलिंग फैन के लिए गई है, उसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है सीलिंग फैन के कनेक्शन करने का स्विच बोर्ड में। और इसको आप अच्छे से टेप से कवर कर लीजिए। और अब हमको इनपुट न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है, डायरेक्ट न्यूट्रल वाली जो वायर है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई स्विच नहीं लगाना है। और इसको भी हम अच्छे से टेप से कवर कर देंगे। टेप अच्छे से लगाइए और जो आप ये कनेक्शन कर रहे हो, ज्वाइंट लगा रहे हो, ये अच्छे प्रॉपर तरीके से आप ज्वाइंट कीजिए। और ऐसे हमने सीलिंग फैन के कनेक्शन कर लेने हैं। इसके बाद हमको इसको ऑन करके देखना है। इसमें इनपुट फेज, अभी हमको इनपुट जो पावर सप्लाई है इसको ऑन कर लेना है। उससे पहले स्विच को ऑफ करेंगे और फैन रेगुलेटर को भी हम ऑफ ही कंडीशन में रखेंगे और इसमें इनपुट पावर दे देते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, स्विच का को ऑन करना है और फैन रेगुलेटर को भी ऑन कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो फैन है अभी फुल स्पीड में, अभी रनिंग में है ये। और इसको स्लो करना है तो यहाँ से हम स्लो कर सकते हैं, तो ये स्लो घूमते रहेगा। आप देखोगे जैसे स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे, ये देखिए अभी हमारा फैन जो है वो स्लो घूम रहा है। और स्पीड को बढ़ाएंगे तो बढ़ाते भी जाएंगे और बढ़ा देते हैं, इससे ज़्यादा और बढ़ा लेते हैं। फुल करेंगे तो एकदम फुल स्पीड में हमारा फैन जो है वो रन
करने लग जाएगा, और लो में करेंगे तो लो हो जाएगा। ऐसे सीलिंग फैन रेगुलेटर कार्य करता है। और यहाँ से हम फैन को ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट स्विच से हम ऑफ़ करेंगे। आप स्विच से ही फ़ैन को ऑफ़ कीजिए। अगर आप रेगुलेटर से फ़ैन को ऑफ़ करते हैं तो आपके रेगुलेटर में परमानेंट पावर रहती है, उसमें आपका जो फ़ैन रेगुलेटर है वो जल्दी ख़राब होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ये हीट होकर के जल्दी ख़राब होने का खतरा बना रहता है। परमानेंट इसमें पावर दे के मत छोड़िए, इसके साथ में एक स्विच जरूर लगाइए। आप स्पीड कंट्रोल के लिए ही आप फैन रेगुलेटर को यूज कीजिए, इसको ऑन ऑफ स्विच की जगह यूज मत कीजिए। ये थी दोस्तों फैन रेगुलेटर के साथ सीलिंग फैन के कनेक्शन। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।